कक्षा एक की किताबें लेने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट मनीष सिंह, दुकानदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई। हरिद्वार निजी स्कूलों के मनमानी रवैये तथा पुस्तक विक्रेताओं द्वारा की जा रही मनमानी की शिकायत जिला अधिकारी दीपक रावत को लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से दी जा रही थी, जिस पर आज सिटी मजिस्ट्रेट मनीष कुमार को ऐसे संस्थानों पर छापा मारकर कार्रवाई करने के निर्देश डीएम दीपक रावत द्वारा दिए गए थे। शाम के समय सिटी मजिस्ट्रेट ने देवपुरा चौक स्थित भार्गव बुक डिपो, ज्वालापुर रेलवे रोड स्थित डायमंड बुक स्टेशनर्स के यहाँ ग्राहक बनकर छापेमारी की। भार्गव बुक डिपो पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट मनीष सिंह ने डीएवी स्कूल की कक्षा एक की पुस्तकें विक्रेता से खरीदी। पुस्तक विक्रेता द्वारा कोर्स में लगाई गई किताबों के साथ कापियां भी दी गई, जिन पर कोई एमआरपी अंकित नहीं था। इन कापियों की कीमत 35 से 40 रुपये विक्रेता द्वारा वसूली की गई। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा क्रय किए गए कोर्स का बिल दिए जाने से भी इनकार किया गया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ज्वालापुर स्थित डायमंड बुक स्टेशनर के यहाँ पुस्तक खरीदने पहुंचे। विक्रेता ने पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकें व कापियां सिटी मजिस्ट्रेट को दी। उनके द्वारा उक्त पुस्तकों का बिल विक्रेता से मांगा गया, लेकिन विक्रेता ने बिल दिए जाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। बार बार बिल मांगे जाने पर कच्चा बिल सिटी मजिस्ट्रेट को दिया गया। इस मामले में टैक्स चोरी होने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने जीएसटी विभाग अधिकारी को बुलाकर इन विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं। हरिद्वार से अरुण कश्यप के साथ सुनील शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, जिलाधिकारी महोदय को कई अभिभावकों ने ये शिकायत की थी कि जो पब्लिक स्कूल है हरिद्वार में, उनकी जो किताबें हैं वो महंगे दामों पर बेची जा रही हैं। इस क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे निर्देश दिया गया और मैंने शहर के काफी दुकानों पर छापेमारी की और इसमें ये पाया कि कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनके कापियों पे प्रिंट रेट अंकित नहीं है और वो निर्धारित दरों से अधिक पैसा वसूल कर रहे हैं। और इस संबंध में भार्गव बुक डिपो है देवपुरा चौक पे और डायमंड बुक डिपो है, इन पे दोनों पे छापेमारी की गई और साथ ही साथ इनके द्वारा ग्राहकों को बिल भी नहीं दिया जा रहा है। तो सीधे सीधे टैक्स की चोरी है ये और अभिभावकों को भी इससे परेशानी हो रही है। मेरे द्वारा संबंधित जो जीएसटी के अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया, मौके पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें आगे भी जो है कार्रवाई चलती रहेगी।